नमस्कार, मैं काजल शर्मा स्वागत करती हूं आपका एनएनसी न्यूज में और लेकर चलते हैं आपको सबसे बड़े सोशल वायरल की ओर। जी हां, सोशल मीडिया में दावा है कि तमिलनाडु से आए इन किसानों ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सारा ड्रामा रचा था। वास्तव में लोग होटल का खाना खाते थे और बिस्लरी का पानी पीते थे। ये सब कुछ एक कॉरपोरेट तरीके से रचा और बुना गया था। आखिर पूरा सच है क्या? क्या देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन तमिलनाडु के किसानों ने सिर्फ इसलिए मुंह में मरा हुआ चूहा दबाया ताकि दुनिया भर में मोदी सरकार की थू-थू हो सके? क्या जंतर मंतर पर इन किसानों ने इसलिए बोतलों में भरकर यूरिन पिया ताकि हमारे देश के किसानों की दुर्दशा पर भारत को कटघरे में खड़ा किया जा सके? इन किसानों ने मुंह में मरा हुआ सांप तक दबा दिया। इन किसानों को इस सांप किसने लाकर दिए थे? किसानों ने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए दूसरे किसानों का नरमुंड अपने गले में लटकाया। ये नरमुंड इन तक किसने पहुंचाए थे? प्रदर्शन के 34वें दिन किसानों ने साड़ी पहनी और साड़ियां पहनकर चूड़ी भी तोड़ी है। आखिर इन किसानों को कौन बताता था कि कभी मुंह पर पट्टी बांधनी है तो कभी दुनिया को ये दिखाना है कि इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये लोग फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे? आखिर इनके इस प्रदर्शन को डिजाइनर बनाने के पीछे किसका दिमाग था? फिलहाल इस प्रदर्शन को कुछ दिन के लिए जंतर मंतर पर रोक दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस प्रदर्शन को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा या फिर इन किसानों की मांगे पूरी कर दी जाएंगी। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़।